सुने थे बिहार बदलने निकले थे, खुदे बदल गया। अच्छा जो हुआ से हुआ, लेकिन बताइए कितना में हुआ? 500 में। एक पार्टी ने उसे रोकी क्या गया, कुत्ता की तरह भागते चला गया उसके पीछे। अब पता नहीं बीजेपी वालों ने उसे कितना पैसा दिया है ये कोई नहीं जानता। फिर मैं कहता हूँ मनीष कश्यप सर बिहार नहीं, सर बवासीर है जो बिहार। और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दे। पहला हमारा पॉइंट है, कुछ मीडिया वालों ने बोला है, कुछ युवाओं ने बोला है, ठीक है। देखो तो पहला है जो मीडिया वालों ने युवाओं के सामने रखा है, तो मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ बवासीर है जो बिहार के युवाओं को, बिहार के गरीबों को, बिहार के पिछड़े जातियों को अपने बातों में ला करके अपने लंबी लंबी कहानियां, लंबी लंबी बनावटी जो होती है ना, उस सभी एकजुट करके अपना इंजीनियरिंग का दिमाग लगा करके मनीष कश्यप युवाओं को एक सर्कल में रखा। तो मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार ना करके मनीष कश्यप को सन ऑफ बवासीर कह रहे हैं, सिर्फ इसीलिए वो कुछ पैसों के लिए आज बिक गया है, वो भी गोदी मीडिया हो गया है मनीष कश्यप, ठीक है। तो भाई हमारा एक रील था कि जो लड़की हर लड़के से बात करती है उसे 500 वाले कहते हैं। बता भाई मनीष भैया तू कितने बंदा, तो 500 बंदा। चलो आज सुने थे बिहार बदलने निकले थे, खुदे बदल गए। अच्छा जो हुआ से हुआ, लेकिन बताइए कितना में हुआ? 500 में। तो एक पत्रकार ने बिहार के युवाओं से पूछा कि मनीष कश्यप जीतेंगे तो बिहार के गरीब मजदूर और युवाओं को उनका हक दिलाएंगे, लेकिन आज वे हो गए गोदी मीडिया तो हक कैसे दिलाएंगे, क्योंकि गोदी मीडिया का काम हक दिलाना नहीं, गरीब युवाओं और मजदूरों का हक खाना होता है, गोदी मीडिया का पहला काम है। और मनीष कश्यप भी गोदी मीडिया हूं, ठीक है। और हाँ मनीष कश्यप बोलता था कि मैं किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आज देख लो एक पार्टी ने उसे रोटी क्या दिया, कुत्ता की तरह भागते चला गया उसके पीछे। अब पता नहीं बीजेपी वालों ने उसे कितना पैसा दिया है ये कोई नहीं जानता है, हालांकि पैसा तो दिया हो, पैसा दिया हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन कितना दिया ये पता नहीं है। और